आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज के बारे में जानेंगे। ये थ्योरीज हमें ये बताते हैं कि दो या दो से ज्यादा ममालिक के दरमियान इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है। ये कुल 6 थ्योरीज है जो हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है और हर थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड के एक या दो एस्पेक्ट्स को कवर करती है ओनली। तो इस वजह से अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड के पैरामीटर्स और डायनेमिक्स को समझना है तो हमें इन 6 थ्योरीज के बारे में जानना पड़ेगा। ये 6 थ्योरीज कौन सी है? एट नंबर 1, वी हैव द थ्योरी मर्केंटाइलिज्म और मर्केंटाइलिज्म। एट नंबर 2, वी हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एट नंबर 3, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। एट नंबर 4, हेक्शर-ऑर्लिन थ्योरी। एट नंबर 5, न्यू ट्रेड थ्योरी। एंड एट नंबर 6, वी हैव ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड थ्योरी। तो आइए हम इन थ्योरीज को मुख्तसरन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम मर्केंटलिज्म को समझते हैं। ये थ्योरी 16th to 18th century तक डोमिनेंट रही। इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी का जो पैमाना है वो उस मुल्क के पास मौजूद प्रीशियस मेटल्स है। जिस मुल्क के पास जितने ज्यादा प्रीशियस मेटल यानी गोल्ड या सिल्वर वगैरह होंगे तो वो मुल्क इतना ही ज्यादा डेवलप्ड और प्रॉस्पेरस कंसिडर किया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक जब दो ममालिक आपस में ट्रेड करते हैं तो एक मुल्क कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है और कुछ इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट के बदले वो प्रीशियस मेटल रिसीव करता है दूसरे मुल्क से, जबकि इंपोर्ट के बदले वो दूसरे मुल्क को प्रीशियस मेटल पे करता है, देता है। तो इस वजह से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो तो इसका मतलब ये कि इस मुल्क से प्रीशियस मेटल जा रहे हैं और इन द लॉन्ग रन ये कंट्री गरीब भी रह जाएगा और पसमानदा भी रह जाएगा। तो इस वजह से ये थ्योरी इस बात पर एम्फेसिस देती है, ताकीद करती है कि हर मुल्क अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम करे और अपने इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करे ताकि इसकी जो पास प्रीशियस मेटल वफर मकदार में रहे और इसकी एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल रहे। इंटरनेशनल ट्रेड की जो दूसरी थ्योरी है, जो क्लासिकल थ्योरी है, वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक दो या दो से ज्यादा ममालिक आपस में इसलिए ट्रेड करते हैं कि हर मुल्क को दूसरे मुल्क पर किसी गुड या सर्विस की प्रोडक्शन में कम एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल होता है। तो जिस मुल्क को जिस चीज की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल हो वो उसी की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करता है और फिर ये ममालिक इसी तरह आपस में अपने स्पेशलाइज गुड्स में ट्रेड करते हैं और सारे ममालिक बेनिफिट में रहते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज को हम सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दो ममालिक है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए को एक चीज की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है ओवर कंट्री बी, यानी कंट्री ए किसी खास गुड एंड सर्विस को कंट्री बी के निस्बत सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर वो अप्लाई करते हैं तो वो ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज ऑफ सम स्पेशलिटी जो उसको गेन हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। या सपोज दोनों ममालिक यानी कंट्री ए और कंट्री बी सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हासिल करना चाहती है एक गुड एंड सर्विस की, और कंट्री ए जो है वो कम रिसोर्सेज एम्प्लॉय करती है इन कंपैरिजन टू कंट्री बी, तो इसका मतलब ये है कि कंट्री ए को कंट्री बी पर उसी चीज की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम थर्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं जिसको हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि ये ट्रेड थ्योरी आज भी एप्लीकेबल है और हर मुल्क आजकल जो ममालिक ट्रेड करते हैं तो हर मुल्क अपने चैंपियन प्रोडक्ट को पिक करती है और फिर उसी को डेवलप करके उसी के एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस करती है। तो ये इसका जो बेस है वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को हम एक आसान मिसाल से समझते हैं। सपोज पाकिस्तान और चाइना आपस में ट्रेड करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान भी लेदर प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स प्रोड्यूस करता है और चाइना भी ये चीजें प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल देखें तो पाकिस्तान को हम कहते हैं सपोज उसको लेदर की जो गुड्स है उसकी प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग गुड्स के मुकाबले में एक कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, तो पाकिस्तान क्या करेगा कि वो फोकस करेगा ऑन लेदर प्रोडक्ट्स और वो इंजीनियरिंग गुड्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, जबकि चाइना को इंजीनियरिंग गुड्स की प्रोडक्शन में लेदर के मुकाबले में एक कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है।
तो चाइना ये कहता है कि वो लेदर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो अपने तमाम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। फिर पाकिस्तान और चाइना आपस में ट्रेड करते हैं, चाइना पाकिस्तान को इंजीनियरिंग गुड्स प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान चाइना को लेदर गुड्स एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसी सूरत में दोनों ममालिक को इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट हासिल होगा, यानी हर मुल्क को जिस कमोडिटी की प्रोडक्शन में कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल है वो उसी की प्रोडक्शन पर फोकस करेगा और फिर दूसरे ममालिक के साथ वो ट्रेड करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। फिर एक और थ्योरी है हेक्शर ओहलेन थ्योरी, ये इस थ्योरी को हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हर मुल्क को उस चीज की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए जिसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहां पे वाफर यानी कसीर तादाद में अबंडेंस में अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्री के पास जो है उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, तो इस वजह से डेवलप्ड कंट्री को फोकस करना चाहिए किस चीज की प्रोडक्शन पर, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पर, जबकि डेवलपिंग कंट्री के पास लेबर अबंडेंस में होता है और चीपली अवेलेबल होता है, तो इस वजह से डेवलपिंग कंट्री को फोकस करना चाहिए लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पर, और फिर ये दोनों ममालिक को आपस में ट्रेड के जरिए अपने अपने गुड्स एक्सचेंज करने चाहिए। तो इस तरह दोनों ममालिक इंटरनेशनल ट्रेड से मुस्तफीद हो सकेंगे। अब एक नई थ्योरी आई है जिसको हम कहते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी, ये 60 और 70 में डेवलप हुई है। इस थ्योरी के मुताबिक हर मुल्क को दूसरे मुल्क के मुकाबले में किसी गुड या सर्विस की प्रोडक्शन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती है, और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों हासिल होती है ये बात याद रखे अपने जहन में बैठाए कि जब भी हम किसी चीज की लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो इसकी वजह से हमें कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटेन होती है, जिसकी वजह से गुड्स की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है और इसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है। तो ये थ्योरी कहती है कि हर मुल्क को किसी ना किसी चीज की प्रोडक्शन में ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटेन होती है, तो इस वजह से हर मुल्क को चाहिए कि वो उन्हीं गुड्स की प्रोडक्शन पर फोकस करे और फिर वो दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करे और उनसे वो चीजें ले ले जिनमें उन ममालिक को इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो, ताकि वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी गुड्स एट अ लोअर प्राइस हासिल कर सके। इसके अलावा एक और थ्योरी है जिसको हम ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक दो ममालिक के दरमियान जो ट्रेड फ्लोस है ये इन दोनों ममालिक की जीडीपी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी इन दोनों ममालिक की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी इनके दरमियान ट्रेड फ्लो भी इतना ज्यादा होगा, जबकि इनके दरमियान जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है इसका इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी दो ममालिक के दरमियान जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही उनके दरमियान ट्रेड फ्लो जो है वो कम होगा। तो उम्मीद है आप इन थ्योरीज को समझ गए होंगे। अगली वीडियोस में फिर हम इन थ्योरीज को एक एक करके डिटेल से देखेंगे। तो उम्मीद है आप इसको थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।